खबर शामिल करते हैं सरगोधा से। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश होने से रोक दिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने तमाम दिन उमर अयूब को अदालत दाखिले से रोके रखा। आज 10 जून को अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जमानत कंफर्म होने की दरख्वास्त पर फैसला होना था। अपोजिशन लीडर उमर अयूब जब अदालत में पेशी के लिए पहुंचे तो पुलिस ने DPO चौक में उन्हें रोके रखा। 3 घंटा बाद उमर अयूब अदालत के अंदर दाखिल होने के लिए गेट पर पहुंचे तो अदालत के गेट को बंद करके उमर अयूब को बाहर रोक दिया गया। उमर अयूब अदालत के दरवाजे पर दस्तक देते रहे। पेशी के मौके पर उमर अयूब के हमरा 4 मेंबरान कौमी असेंबली शफकत अवान, उसामा मेला, बिलाल वक और अहमद महमूद चट्ठा, हारून प्राचा, इफ्तिखार गोंदल भी मौजूद। इसके साथ ही आज अदालत में अमजद नियाजी, नजीर सैंसी और एहसान उल हक तवाना समेत 150 के करीब अफराद की जमानत पर भी फैसला होना था, लेकिन उन्हें अदालत में पेश होने से रोके रखा गया। दहशतगर्दी अदालत के गेट के बाहर अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे अदालत में पेश नहीं होने दिया जा रहा, इंसाफ मेरा हक है। पुलिस नफरी ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का गेट बंद कर दिया है और मेरा आईनी हक मुझसे छीना जा रहा है, मैं अदालत हर सूरत पेश हूँगा। उन्होंने कहा कि मैं कौमी असेंबली के फोरम पर अदालत जाने का रास्ता रोकने वाले अफसरान के खिलाफ करारदाद पेश करूँगा।